अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोथमीर के भजिए। देखिए, यहाँ मैंने एक बंडल हरा धनिया लिया है, धो दिया है, धोकर काट दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 पत्ती पतली हरी प्याज कटी हुई। दस हरी मिर्चियाँ और 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ, ये भी इसमें ऐड करें। नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से। एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। 2 टीस्पून जीरा ऐड करें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करें। 1 कप बेसन ऐड करें। 1 कप मैंने बेसन ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करें। मिक्स करें। एक कप और बेसन ऐड करें। अब इसमें पानी ऐड करके मिक्स करें। एक कप और बेसन ऐड करें। वन थर्ड कप पानी ऐड करें। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, तब ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। अब इस बैटर को 10 मिनट तक रेस्ट करने दें। गरम तेल में भजिए फ्राई करें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक लो फ्लेम पे। एक तरफ गोल्डन हो चुके हैं, दूसरी तरफ टर्न करें। दूसरी तरफ भी गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको निकाल लें। कोथमीर के भजिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।